आर्यन बताइए कितने बजे आप सोते हैं? 9 बजे। और जगते कितने बजे हैं? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। घर का कौन सा काम करते हैं? मैं घर का कुछ काम नहीं करता, मेरी मम्मी काम करती है। मैं बस अपना पढ़ता हूँ, उसके बाद सुबह जाता हूँ। सुबह में घर के कोई काम नहीं करते हैं? करता हूँ, जैसे कुछ मम्मी कर देती है, मम्मी का हेल्प करता हूँ बस। अच्छा, मम्मी की हेल्प करते तो अच्छी बात है ना भाई, हेल्प करनी चाहिए ना। तो कौन कौन सी हेल्प मम्मी की आप कर लेते हैं? जैसे मम्मी सब्जी काट रही होती है तो मैं सब्जी ला के दे देता हूँ, और जैसे मम्मी चाय बना रही है तो जो जो कुछ भी मांगती है मैं दे देता हूँ। अच्छा, मतलब आप मम्मी के साथ किचन में रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं किचन में, है ना? ठीक, वेरी गुड भाई, बैठ जाइए। चलिए संजीव खड़े हुई है। तो संजीव ये बताइए कि आप कितने बजे सोते हैं? 9 बजे। 9 बजे। और जगते कितने बजे हैं? 6। 6 बजे जग जाते हैं। तो आप घर का कौन सा काम करते हैं सुबह उठते हैं तो? मैम जी चाय बनती है तो मैं होता चीनी उनी लाता हूँ और चाय पत्ती। मतलब मम्मी को ये सब देते रहते हैं। और बाहर का कोई काम? घर में गाय बकरी कोई जानवर है तो उसको कौन देखता है? आप देखते हैं कि कोई और देखता है? आप देखते हैं। पैर मत हिलाइए बेटा। हाँ, आप देखते हैं। तो क्या करते हैं? मैम जी उसको चारा देता हूँ। चारा देते? क्या है आपके पास? मैम जी नीम की पत्ती है। नहीं नहीं जानवर में कौन सा जानवर है? बकरी है। बकरी है? बकरी कितनी है? चार। चार है। और भैंस कितनी है? दो। दो। तो आपकी बकरी का कुछ नाम रखे हैं आप भैंस का? अरे तो फिर कैसे आप बुलाते हैं अपनी भैंस को? आज जाइएगा ना तो आज संजीव भाई, देखिए संजीव आज जाएंगे तो अपनी बकरी का और अपनी भैंस का नामकरण करके आएंगे, और कल हम पूछेंगे तो हमें बताएंगे कि हमने क्या नाम रखा। बढ़िया बढ़िया नाम रखिएगा वो। ठीक ठीक वेरी गुड, बैठिए। चलिए अंकुश खड़े होइए। कितने बजे सोते हो अंकुश? 9 बजे सोते हो। उठते कितने बजे हो? 6 बजे। 6 बजे। तो क्या करते हो घर का कौन सा काम? सुनिए भाई, अंकुश को सुनिए। देखिए अंकुश इतने अच्छे से बता रहा है। पैर मत हिलाइए बेटा अंकुश। हाँ बताइए। बकरी चला। बकरी? तो बकरी की बकरी सीधे खड़े हुई है बकरी। हाँ तो बकरी चराने जाते हैं, तो कब में आप बकरी चराने चले जाते हैं, फिर कब आ जाते हैं, कभी स्कूल आ जाते हैं, कैसे करते हैं ये सब? मैम जी पहली टाइम मम्मी चरा लेते हैं, दूसरी टाइम मैं। अच्छा, तो शाम को आप बकरी चराते हैं। सुबह में कौन सा काम करके आते हैं? बस उठते हैं, खाना पीना खा के अपना तैयार होके आ जाते हैं, ऐसा? हाँ बकरी में कोई काम नहीं करते हैं? बकरी बांधने बांधते बांधते नहीं है कि नहीं है? बांधते हैं मंजी और खटिया। अच्छा, कितनी बकरी है आपके पास? 8। 8 बकरी हैं। तो क्या करते हैं बकरी का? जी बेची थी। बेच देते हैं। अच्छा, तो आपने अपनी बकरी का नाम रखा है कि नहीं? नहीं। हम कहे हैं ना, सब लोग अपनी बकरी अपनी जानवरों का नाम जरूर रख लेंगे, वो भी तो आपके परिवार में ही है ना। अच्छा, जब बेचते हैं तो आपको दुख होता है कि नहीं? तो रो देते हैं, हमने सुना है आप रो भी देते हैं बकरी बेचते हैं तो? हाँ हाँ, रुलाई आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बैठ जाइए। अच्छा सचिन, हाँ सचिन बताइए कितने बजे सोते हैं बेटा? 8 बजे। और कितने बजे उठ जाते हैं? 5 बजे उठ जाते हैं। क्या करते हैं घर का कौन सा काम? जी सुबह उठकर मम्मी चली जाती है खेत में गेहूं काटने, हम चाय बना कर रख देते हैं। आप चाय बना देते हैं? अच्छा, अरे बहुत अच्छा। फिर तो हम लोग खाना बना के जी। तो अभी बनाते नहीं है ना, लेकिन अंकुश बनाई जाएगी मैम जी। जैसे पापा रे, घर को काम पे काम बनाई करूंगी। जैसे पापा रे चले जाइए रिश्तेदारी, हम और हमारे भाई अकेले रही तो खाना वाना बनाई। अरे वाह बहुत अच्छा, तो खाना बनाना आता है इसका मतलब आप लोगों को? हाँ बहुत अच्छा। चूल्हा कर जाई थी। अच्छा चूल्हा भी कर लेते हैं, बढ़िया चूल्हा। सचिन आप चूल्हा कर लेते हैं? तो चूल्हा कैसे, क्या कौन सा चूल्हा? गैस पे बनता है खाना कि चूल्हे बनता है? गैस पे बनता है। तो चूल्हा पोतना आता है कि नहीं आपको? कैसे पोता जाता है?
हाँ, अरे सुनिए पहले सचिन को सुन लेते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी है हाँ, उसमें की मिट्टी हाँ, हाँ, थोड़ा सा पानी। कहाँ कहाँ की मिट्टी? पेरोड क्या होता है? नदी, नदी के पास का है ना। हाँ, थोड़ा चिकनी मिट्टी। हाँ, फिर जी उसको उसमें कपड़ा भिगो कर अच्छा, तो चूल्हे के पास ज्यादा पोतना पड़ता है कि चूल्हे के अगल बगल? अगल बगल ज्यादा पोतना पड़ता, मतलब जिसमें किसमें ज्यादा आपको मिट्टी लगानी पड़ती है? चूल्हे में ना, चूल्हा ज्यादा काला रहता है, उसको गोरा करने में बड़ा मेहनत लगता है ना। वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए। अच्छा, खड़े होइए आयुष। अरे वाह, बताइए आपके पास बकरी है? हाँ, कितनी बकरी है? दो है। क्या नाम रखे हैं? हाँ, अरे वाह, कल्लू काला काला है क्या? सफेद भी काला। अच्छा, वेरी गुड। चलिए भाई, अच्छा है, देखिए इन्होंने अपनी बकरी का नाम रख लिया है। बताइए आयुष, कितने बजे सोते हैं? 9 बजे। जगते कितने बजे हैं? 6 बजे। तो 6 बजे उठ के आप कौन सा काम घर का करते हैं? पानी। हाँ, सुनिए भाई, सुन लीजिए, आयुष बता रहे हैं ना। हाँ, पानी भरते हैं। कहाँ भरते हैं? कहाँ भरते हैं? इनारा से निकाल के कहाँ ले जाते हैं? मम्मी, मम्मी की हेल्प करते हैं। ठीक, और कुछ करते हैं? बकरी है आपके यहाँ? बकरी नहीं, गाय है? नहीं। कोई जानवर है? एक को नहीं है। तो दूध वूध कैसे पाते हैं आप? दूध नहीं पीते हैं? हाँ, लेकिन दूध पीना चाहिए ना मम्मी। अच्छा, बकरी का दूध पी लेते हैं अंकुर? अच्छा, तो मीठा है होता है कि नहीं? मीठा होता है। चलिए वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए आयुष। अच्छा, भैंस। तो नाम रख लीजिएगा सब, सारे जानवरों का नाम। चलिए रेशमा खड़ी हुई है। रेशमा, तो रेशमा बताइए कितने बजे सोती हैं? 9 बजे। उठती कितने बजे हैं? 7 बजे उठ जाती हैं। क्या करती हैं? महुआ बिनती हैं। अब महुआ का सीजन नहीं होता तब क्या करती हैं? अरे इनको कोई बोलेगा नहीं भाई, रेशमा बोलने दीजिए। रेशमा को पता होगा ना कि वो क्या काम करती भाई हैं। तो चारा दे रही थी, तो भैंस खास था, चोखा चलाई थी, खाला लगता। तो कर लेती हैं दाना पानी भैंस का? भैंस कितनी है आपके यहाँ? 11 भैंस हैं। तो दूध तो बहुत होता होगा, फिर क्या करती है? तीन ठिलागा थे। फिर क्या करती हैं? तीन भैंस का भी दूध बहुत होता है, तो सब खाते ही हैं? खोवा बनावा। अच्छा, तो ये बताओ कि आप दूध पीती हो कि नहीं? नहीं। अरे ये तो बड़ा खराब हो गया बेटा, दूध पियो, दूध में बहुत पौष्टिक तत्व होता है सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसलिए दूध पीना जरूरी है। तो 11 भैंस का में से एक को भैंस का नाम रखी है आप? क्या पड़वा रखी है? पड़वा क्या नाम रखी है? सूर्या। सूर्या, अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है ना भाई, देखिए अच्छा नाम है कि नहीं? सूर्या। तो बाकी भैंस का भी नाम रख दीजिए, नहीं तो भैंस दुखी हो जाएगी ना। वाला नाम बाते। क्या? करहनावा वाली। हाँ। अल्हबदिया वाली। हाँ। अलकत पानीया। हाँ। अब गाय। हाँ। बस महुआ तरे वाली। अच्छा, तो महुआ तरे वाली कैसे नाम पड़ गया उसका? महुआ के नीचे बांध देती हो क्या? अच्छा, और इलाहाबाद वाली क्या? हाँ, इलाहाबाद से आई थी। हाँ ठीक, समझ गए हम। लेकिन ये वाला नाम अगर हम ऐसे बुलाएं कि रेशमा का, रेशमा को अगर हम बुलाएं कलीपुरवा वाला बच्चा है, भादीपुरवा वाला बच्चा, तो मजा आएगा उसको? ठीक, तो उसका नाम रख लीजिएगा। ठीक, चलिए दिव्या खड़े होइए, बैठ जाइए बेटा। कितने बजे सोती हो दिव्या? 10 बजे। कितने बजे उठती हो? 6 बजे उठती हो। तो क्या काम करती हो दिव्या घर का? घर बटोरती हैं। और तो घर बटोरती हैं तो अच्छा, आप भी झाड़ू लगाते हैं भाई? सचिन भी झाड़ू लगाते हैं।
आप ये बताइए दिव्या कि घर बटोरती हैं और कोई काम नहीं करती हैं? द्वारों बटोर देती हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आप घर बटोर देती हैं तो बाकी लोग और क्या करते हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? सात लोग हैं। कौन कौन है? दादा, दादी, हाँ, मम्मी, पापा, हाँ, और हम तीनों भाई। आप तीनों भाई बहन, ठीक। सबसे पहले जल्दी आइएगा। सबसे पहले कौन उठता है? मम्मी उठती हैं। तो आप मम्मी की कौन सी हेल्प करती हैं बटोरने में? ठीक। कोई जानवर है क्या? बकरी। कितनी बकरी है? दो बकरी हैं। बकरी का नाम, ए बेटा सुनिए जरा, दिव्या को भी सुना जाए। हाँ, दिव्या के पास दो बकरी हैं। आप दिव्या बताइए, एक को बकरी का नाम रखी हैं? हाँ। क्या नाम रखी हैं? मुन्नू और कल्लू। अच्छा, कल्लू नाम बड़ा जनरल नाम हो गया ना, कल्लू। बेचारे लोगों को कल्लू नाम क्यों पड़ जाता है? बुल्लू रख दी होती। चलिए कोई बात नहीं, इनके दो बकरी हैं, एक का नाम मुन्नू है और एक का नाम कल्लू है। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब भैंस भी है। कितनी है? दो। नाम रखी हैं? हाँ बताइए। चंपा, चमेली। अरे वाह भाई, बड़ा सुंदर नाम है। सुंदर नाम है मन्ना भाई, चंपा चमेली। तो अच्छा, भैंस को आप पहचान लेती हैं कि कौन चंपा है कौन चमेली? तो दोनों तो काली काली एक ही जैसी दिखती होंगी। एक छोटी है केवल। ओहो, अच्छा, वेरी गुड। चलिए बैठ जाइए। अच्छा, चलिए खड़ी होइए कोमल। यस कोमल, कितने बजे सोती हो? मैम, 9 बजे सो जाती हो? और कितने बजे जगती हो? 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे तो 6 बजे उठ के क्या करती हो? कुछ नहीं जी। कुछ भी नहीं? फिर क्या करती हो? जब आई थी घर से, जब पढ़ के जाए घर, तब बकरी चराई थी। अच्छा, तो तब बकरी चराती है। सुबह के टाइम में कोई काम नहीं करती हैं, अपने काम करती हैं केवल। तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? भाई दो थी, तीन बहन। बहनें आपसे सब बड़ी हैं? हाँ जी। वही लोग करती हैं? हाँ। तो कभी कहती नहीं कि कोमल ये काम कर लो? ना जी, कहो कदर करा थी, सिर्फ पानी वानी दे दी इस बार। अच्छा, तो जो कहती हैं कर देती हैं कि नहीं आप? हाँ, उसमें नखरेबाजी तो नहीं होती है कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे? अपन कह, हाँ हाँ, ऐसा होता है कि हाँ हाँ हम ना कर, अपन का इला। हाँ, ऐसी करा थी। ऐसा करती हैं मैडम जी? करी, लेकिन मम्मी कहती तू ना करा। हाँ। अब तोरे हम वही और तोरे दीदी वहाँ दोनों जने। हाँ। तो मम्मी ये कहती है कि पढ़ा करो। हाँ हाँ, तो ठीक, तो फिर मन लगा पढ़िए फिर। हाँ मैडम ने पढ़ी, लेकिन हमका कम आवा था हिंदी, हम अपने दीदी का दीदी पढ़ा था, दीदी छुट्टी नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, अब स्कूल में आप यहाँ पे रहिए, आप लोगों को धीरे धीरे सब सिखाया जाएगा, ठीक। लेकिन जितनी मैडम मेहनत करेंगी उतना ही आपको भी करना पड़ेगा, तभी आएगा, है ना? चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, चलिए नेहा बताइए। नेहा कितने बजे सोती हैं? 9 बजे। 9 बजे और उठती कितने बजे हैं? 5 एकड़ मतलब हम कहा समझें, बीच में उठा तू 8 बजे से 5 बजे से 8 बजे के बीच में? नहीं, 5 बजे उठ जाती हैं। क्या करती हैं? पहले उठी थी, बकरी खा रही थी। कहाँ से? घर से। घर में रखे रहती हैं रात में? अच्छा, फिर बाहर निकाल देती हैं? फिर तो फिर जब और तने घर निकला था, तब अकेला जाए बांध दी थी, चराई लगा था। हाँ। तब भी आई थी, तैयार वैयार हुई थी, स्कूल की तैयारी करी, उसके बाद मम्मी का और काम हो रखा ही, तब आई थी। ओके, तो आप अपनी बकरी का कोई नाम रखी हैं? हाँ मैम जी। क्या नाम रखी हैं? अरे हंसने वाली बात जी, आयुष कहा था ये मेरे बकरी के नाम पर बिगवा। ओहो बिगवा, तब तो सब डरते होंगे उससे। क्या नाम है? कुल्लू नाम है। सुनिए देखिए भाई, आपको पता नहीं है उसकी बकरी का नाम कुल्लू है। कितनी बकरी है? कितनी बकरी है बताइए? कितनी बकरी है? अरे
उल्लू बोलने में हंसी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, रुचिता खड़ी हुई है। हाँ रुचिता बता रही है, सुनिए रुचिता कितने बजे सोती हैं? 8 बजे जी। और उठती कितने बजे हैं? 5 बजे। 5 बजे बेटा बैठ जाइए, दिव्या 5 बजे उठ जाती हैं। क्या करती हैं रुचिता जी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। क्यों? मम्मी करती है। मम्मी करती हैं। आप कितने भाई बहन हैं? दो भाई एक बहन। आप अकेले हैं? अच्छा तो भाई बड़े हैं कि आप बड़ी हैं? भाई बड़े हैं। भाई बड़े हैं तो अच्छा, भाई की शादी भी हो गई है। अच्छा अच्छा ये बताइए कि भाई की शादी थी तो बारात गई रहूं कि नहीं? बारात में गई थी? नहीं। अरे यार तब मिठाई कैसे खाई? घर पे खाई थी। तो भाभी मिठाई लाई थी? भाभी क्या दी थी याद है आपको? भाभी आई थी जब तो आपको क्या दी थी जी? भूल गए हम सब। अरे बिटिया बुला जाओगी तब भाभी कैसे तो को मानेगी? हाँ हाँ अच्छा, खेलने के लिए भी दी थी, कपड़ा भी दी थी। देखो सचिन को पता है और आप सब भूल गई तब भाभी आपको कैसे प्यार करेंगी जी? कह रहे बाहर भाभी जानी है जी। हाँ भाभी गई है बाहर। बाहर गई है। अच्छा चलिए ठीक है, तो बैठ जाइए सारे लोग। अब हम लोग कुछ आगे नया करते हैं ठीक है। सिट डाउन।